हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कार्बन साइकिल के बारे में। तो जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वह सब हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जितने इम्पोर्टेंट है, उतने ही ये कार्बन एलिमेंट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब उसका भी एक पर्टिकुलर साइकिल है जो एटमोसफियर से लेकर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सॉइल के अंदर ट्रांसफर कार्बन होता रहता है। ठीक है, तो वह देखते हैं अब। तो जो कार्बन है, तो कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म ऑन दी अर्थ। तो कार्बन जो है वह डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में अर्थ के ऊपर पाया जाता है, और उसमें भी इट अकर्स इन द एलिमेंटल फॉर्म एज अ डायमंड्स एंड ग्रेफाइट, और उसमें भी ओनली उसके एलिमेंट में जो कोई फॉर्म हो उसका कार्बन का, तो वह कौन सा है? डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये जो डायमंड है वह ओनली फॉर कार्बन पार्टिकल का ही, कार्बन एटम का ही बना हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ जो ग्रेफाइट है वह ओनली कार्बन पार्टिकल का ही बना हुआ है, यानी कि ओनली एलिमेंट कार्बन का ही बना हुआ है। ठीक है, और जिसे डायमंड को तो आप देखा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कहाँ पर यूज होता है? तो जो पेंसिल की जो लीड है ना, तो वह लीड जो ब्लैक कलर की हमें देखने को मिलती है, वह किन की बनी हुई है? तो वह ग्रेफाइट की बनी हुई है। ठीक है, और ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, वह नॉन मेटल होने के बावजूद भी। ओके, तो ये तो बात थी कि ये एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन कहाँ पर पाया जाएगा, तो डायमंड्स एंड ग्रेफाइट। ठीक है, इसके बाद वह कंपाउंड के फॉर्म में इस नेचर में कहाँ पर पाया जाता है? तो वह एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाएगा। कहाँ पर? एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के साथ कार्बन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, एज उसके बावजूद भी एज कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट इन वेरियस मेटल। तो जो अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट यानी कि जो अपर लेयर है ना, उसे क्या बोला जाएगा? अर्थ की क्रस्ट बोला जाएगा। तो उस क्रस्ट के ऊपर मिनरल के फॉर्म में कौन से मिनरल्स? तो कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, उनके सॉल्ट्स के फॉर्म में ये कार्बन पाया जाता है। ओके, तो ये जो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बना हुआ है, उसके लिए जो कंपोनेंट चाहिए वह भी क्या चाहिए? कार्बन की जरूरत होती है, कार्बन एलिमेंट की जरूरत होती है, तभी जाके ये फॉर्म होता है, कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो उनके जो सॉल्ट है वह कौन से फॉर्म में अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं? मिनरल के फॉर्म में। ठीक है, जो हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। ओके, ऑल लाइफ फॉर्म्स आर बेस्ड ऑन कार्बन कंटेनिंग। तो सारी लाइफ्स किसके बेस के ऊपर डिपेंडेंट है? कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि जो हम न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो हम लेते हैं, ठीक है, कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, तो ये सारे बनने के लिए भी कार्बन एलिमेंट जरूरी है, कार्बन कंपोनेंट उन होना चाहिए, तभी जाके ये फॉर्म हो सकता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, तो उसमें जो ग्लूकोज का पार्टिकल है उसका मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो यहाँ पर ये जो कार्बन बना, आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन के 6 एटम्स यूज हो रहे हैं। कितने पार्टिकल्स? उस पार्टिकल को बोलना हो तो एटम बोल सकते हैं। तो 6 एटम यूज हो रहे हैं, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंबाइन से ये कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का फॉर्म बनता है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह के जो ऐसे मॉलिक्यूल्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उन्हें बनने के लिए भी उनके बेस में भी क्या होता है? ये कार्बन कंटेनिंग होता है। ठीक है, और दूसरी बात करें तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी इस तरह से कार्बन पाया जाएगा। ठीक है, दूसरी ये बात करते हैं कि जो एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, तो उनका जो स्केलेटन बनने के लिए जो
मटेरियल या फिर जो मटेरियल चाहिए वह कौन सा होता है, कार्बोनेट, यानी कि कौन सा मटेरियल होता है वह कार्बोनेट होता है। तो वह कार्बोनेट फॉर्म होने के लिए, कार्बोनेट सॉल्ट्स फॉर्म करने के लिए भी किसकी जरूरत होती है, कार्बन की जरूरत होती है। अब ये कार्बोनेट का मैं आपको केमिकल फॉर्मूला बताऊँ तो एक टाइप का वह आयोनिक कंपाउंड कंपाउंड बन जाएगा जो क्या होता है, CO3 2- होता है, ठीक है। तो ये कार्बोनेट हो जाएगा, ओके, जो आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर में तब देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्बन इज द कंस्टिट्यूट इनटू लाइफ फॉर्म बाय फोटोसिंथेसिस विच इज फॉर्म बाय ऑटोट्रॉफ प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये कार्बन, यानी कि अब हमें पता है कि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स प्लांट, वह क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो वह किसकी वजह से, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब ये क्लोरोफिल की वजह से और सनलाइट की प्रेजेंस में वह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को एब्जॉर्ब करके अपना खाना बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज, फिर ऑक्सीजन रिलीज करेंगे एंड पानी पानी वह रिलीज करते हैं। इस तरह से तीन प्रोडक्ट उनकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के वक्त बनती है, ठीक है। तो उसमें भी ये जो ग्लूकोज बन रहा है, तो ग्लूकोज के अंदर भी क्या पाया जाएगा, ग्लूकोज या कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज करता है, बट जो ग्लूकोज बन रहा है वह भी कार्बन का बना हुआ है जो हमने अभी देखा, ठीक है। तो इस तरह से ये कार्बन कहाँ से उन्होंने एब्जॉर्ब किया, तो वह किया एटमोस्फियर में से। तो एटमोस्फियर का इस तरह का जो कार्बन डाइऑक्साइड था जिसके अंदर कार्बन कंटेंट था, वह उन्होंने यूज करके अपना खाना बनाया, यानी कि ग्लूकोज बनाया, ठीक है। तो फिर अब ये जो ग्लूकोज बन रहा है उसका कौन यूज करेगा, तो वह भी देख लेते हैं। तो दिस प्रोसेस यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। तो वह तो हमने अभी देख लिया जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। दिस प्रोसेस तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वह सिंथेसिस करता है कार्बोहाइड्रेट बाय द फोटोसिंथेसिस, ओके। एंड देन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वह भी हमने देख लिया, ओके। तो फिर अब ये जो ग्लूकोज पार्टिकल है वह कहाँ पर यूज होगा, तो दे आर आइदर कन्वर्टेड इनटू अदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक अ स्टार्च और यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो दूसरे बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए वह एनर्जी किसके थ्रू बनेगी, तो इन्हीं ग्लूकोज का पार्टिकल जब सेल के अंदर ब्रेक डाउन होगा तब, ठीक है। तो ये जब ब्रेक डाउन प्रोसेस होती है वह दो तरह से होती है, यानी कि उससे रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दूसरी है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं, तो जब ग्लूकोज का पार्टिकल जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन होता है, तब जाके क्या बनाता है, वह एनर्जी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है एंड पानी का मॉलिक्यूल रिलीज करता है, यानी कि कुछ इस तरह से। जो ग्लूकोज होता है उसकी वर्ड इक्वेशन में लिखूं तो कुछ इस तरह से होगी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। और जब ग्लूकोज का पार्टिकल विदाउट ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन होता है, तब जाके भी एनर्जी, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो विदाउट ऑक्सीजन से भी ग्लूकोज का पार्टिकल्स ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो उनके थ्रू एनर्जी बनेगी, CO2 भी प्रोड्यूस होगा, बट अल्कोहल प्रोड्यूस होता है वाटर की जगह, ठीक है। तो ये हो जाएगी फर्स्ट, जो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन से ग्लूकोज का पार्टिकल ब्रेक डाउन हुआ तो उसे बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है, और विदाउट ऑक्सीजन से जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का पार्टिकल उसे बोला जाता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या होने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने वाला है,
ठीक है, वह देखते हैं बाद में। बट यहां पर ये जो एनर्जी बन रही है ना, वह एनर्जी का यूज दूसरे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स बनाने में यूज होती है वह एनर्जी, ठीक है, या फिर उस ग्लूकोज के पार्टिकल को दूसरे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक स्टार्च में कन्वर्ट करने के लिए भी उनका यूज किया जाता है या फिर कन्वर्ट होता है। ओके, तो इस तरह से ये ग्लूकोज का पार्टिकल यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो एनिमल्स यूटिलाइज दिस कार्बोहाइड्रेट, एवरी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज होना यानी कि जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, इसकी वजह से ऑक्सीडाइज है, तो उसे ऑक्सीडाइज बोलेंगे, ठीक है। तो टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस प्रोसेस एल्स एनर्जी, यानी कि वो और क्या देती है, एनर्जी भी देती है, और वह एनर्जी फिर इस तरह के जो दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से वो बनाने में यूज होती है, ठीक है। जो हमने देखा था कि एटीपी के फॉर्म में वह एनर्जी रिलीज होती है, कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बैक इनटू एटमॉस्फेयर। और यहां से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ ना, दोनों प्रोसेस से, रेस्पिरेशन या फिर यानी कि रेस्पिरेशन की दोनों प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है वापिस एटमोस्फियर में चला जाता है, ठीक है। तो ये तो बात थी कि वापिस कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से चला जाएगा। फर्स्ट, जो एटमोस्फियर में से कार्बन डाइऑक्साइड का कौन यूज करता है, तो ग्रीन प्लांट यूज करते हैं, ठीक है, उनके सिवा और कोई नहीं करेगा। ओके, इसके साथ अब उन्होंने तो यूज कर लिया, तो वापिस कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फियर में कैसे रिलीज होगा, तो एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन से, और दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है कंबशन। दूसरी कौन सी है, कंबशन। तो कंबशन यानी कि वह बिना ऑक्सीजन से तो कंबस कोई भी सब्सटेंस हो सकता नहीं है, तो उसके थ्रू क्या होगा कि जो भी अब क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो जो भी हम फ्यूल यूज करते हैं, वो वह चाहे कुकिंग के लिए यूज करते हो या फिर कोई इंडस्ट्रियल में यूज करते हो, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हो, तो जो भी इस तरह के जो फॉसिल फ्यूल मोस्ट ऑफली क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो वह फॉसिल फ्यूल के थ्रू क्या रिलीज होने वाला है, उनके अंदर कार्बन कंटेंट होता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फियर में रिलीज हो जाता है, ठीक है। फिर तो इस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस नीड्स लाइक हीटिंग, कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, सच रिलीज द ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस। यानी कि इनके कंबशन के थ्रू, यानी कि किस तरह से कंबशन होगी, हीटिंग, कुकिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन में जो पेट्रोल डीजल हम यूज करते हैं व्हीकल में, तो वहां पर भी कंबशन, वो भी अंदर इंजन में ब्लास्ट होता है, यानी कि वहां पर कंबस्ट हो रहा है, ठीक है, ये सब फ्यूल। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी इस तरह से कंबशन होता है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वहां पर बनता है, ठीक है, और वह एटमोस्फेयर में चला जाएगा। तो ये दो प्रोसेस से एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एक है रेस्पिरेशन जो लिविंग बींग में देखने को मिलेगी, एंड कंबशन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बन साइकिल रिपीटेडली थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स बाय द वेरियस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो इस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्यों, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है वो बायोलॉजी, और फिजिकल यानी कि जो ये कंबशन प्रोसेस हुई तो वह फिजिकल हो गई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उसके साइकिल के बारे में। तो साइकिल में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एटमोस्फियर में जो कंपाउंड के फॉर्म में ये कार्बन प्रेजेंट है, और वह भी कौन से फॉर्म में, कार्बन सीओ टू के फॉर्म में, सीओ टू इन एटमोस्फियर, ठीक है। अब ये एटमोस्फियर का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन, प्लांट यानी कि ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है वह कंपाउंड्स के फॉर्म में, और वह भी कौन करता है, प्लांट्स, ठीक है। उन प्लांट का यूज कौन करेगा, एनिमल्स करेंगे, ठीक है, यानी कि वह भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड
एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है ये दोनों के अंदर, ठीक है। तो एनिमल्स भी उनका यूज करते हैं फूड के लिए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, फोटो सिंथेसिस, ठीक है। और इनका फूड के फॉर्म में और एनिमल यूज करते हैं। इसके साथ साथ दूसरा कि ये जब नाइट टाइम में भी रेस्पिरेशन करते हैं तब वह कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फियर में रिलीज होता है, या फिर इन एनिमल के थ्रू भी, एनिमल थ्रू के थ्रू भी क्या होता है, रेस्पिरेशन या फिर डिकम्पोजिशन से, कौन सी, रेस्पिरेशन या फिर डीकम्पोजिशन से, यानी कि जब उनकी डेड बॉडी डीकम्पोज होती है तो उनके थ्रू भी ये एनिमल की बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, क्योंकि उसके अंदर भी कॉम्प्लेक्स कार्बन सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो वह बर्न हो गए ऑक्सीजन की हेल्प से, तो वह क्या होने वाले है, कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब ये प्लांट जब मिलियन ईयर, जब मान लो कि उनकी डेड बॉडीज बर्न यानी कि अंदर सॉइल के अंदर रहती है, ठीक है, बरीड होकर, ओके, तो फिर वहां पर भी वह क्या फॉर्म कर देगी, कॉल फॉर्म हो जाता है, यानी कि एक फॉसिल फ्यूल बन जाता है, ठीक है। इनके साथ साथ जब एनिमल की बॉडीज पर ऐसा होता है तो वह क्या फॉर्म कर देगी, तो वह पेट्रोलियम फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो वह भी, इनके अंदर भी कार्बन था तो कार्बन इस पेट्रोलियम में आने वाला है, आप समझ रहे होगे, यहाँ पर भी ये कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट के अंदर, तो ये कॉल बनेगा तो उसके अंदर भी कार्बन आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, जब इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, तो उनके जो स्केलेटन जो बने होते हैं तो वह भी किनके बने होते हैं, तो कार्बोनेट के बने होते हैं, यानी कि कार्बोनेट सॉल्ट के बने होते हैं, तो इनऑर्गेनिक कार्बोनेट जो सेल्स होते हैं एनिमल्स के, वह बनाने के लिए भी इनका यूज होता है, किसका, कार्बन यानी कि कार्बोनेट का, ठीक है, जो किनका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है, ठीक है। इसके बावजूद भी जब ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना पानी के साथ एटमोस्फियर के वाटर ड्रॉपलेट के साथ रिएक्शन करके वह कार्बोनिक एसिड बनाता है, यानी कि और वह फॉर्म होगा कार्बोनेट इन वॉटर, कार्बोनेट इन वॉटर। अब ये कैसे, जैसे कि हमने नाइट्रिक एसिड के बारे में देखा था ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करता था तब नाइट्रिक एसिड बनाता था, इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह पानी के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, यानी कि कार्बोनिक एसिड, जिसके अंदर ये जो है वह क्या है, कार्बोनेट है, ये क्या है, कार्बोनेट, ओके। ये हम समझेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर में, अभी याद रखना कि ये कार्बोनेट है, तो ये फिर क्या होता है, पानी के अंदर कार्बोनेट डिजोल्व होता है, यानी कि आ जाता है, किस तरह से, रेनफॉल जब होती है तब इस तरह की कार्बनिक एसिड जब रेन के थ्रू आएगी सॉइल के ऊपर तो वह पानी के अंदर कार्बोनेट वाला पानी बनेगा, तो कार्बोनेट इन वाटर, और वह फिर क्या कन्वर्ट करता है, तो लाइमस्टोन बनाता है, यानी कि उसमें से लाइमस्टोन बनते हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी जो वल्केनोज है, ठीक है, जो लावा, ओके, तो वह जब बाहर निकलते हैं अर्थ सरफेस से, ठीक है, तो उनके अंदर से भी काफी मात्रा में स्मोक जो निकलता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वह कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एटमोस्फियर में रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इसकी कार्बन साइकिल बनेगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे बोला जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये एक टाइप का आर्टिफिशियली एक स्ट्रक्चर है जिसे क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस बोला जाता है, जो एक तरह के जो ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं ना उसे जब कोल्ड क्लाइमेट में जब उसे ग्रो करना हो तो उसे जो वार्म टेम्परेचर वार्म बनाने के लिए
या फिर उनकी जो सराउंडिंग की जो एटमोस्फियर है उसे वार्म बनाने के लिए, गर्म करने के लिए क्या किया जाता है, एक कांच का ग्लास का एक सेल्टर उनके ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। तो एक शेड एक टाइप का बनाया जाता है, ठीक है। तो उन्हें फिर क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस बोला जाता है। तो ग्रीन हाउस का मतलब होगा ग्रीन हाउस वेयर द आर्टिफिशियल इंक्लोजर फॉर कीपिंग ट्रॉपिकल प्लांट इन वार्म कंडीशन इन द कोल्ड क्लाइमेट रीजन, ठीक है। तो जो कोल्ड क्लाइमेट रीजन में जब इस तरह के ट्रॉपिकल प्लांट को ग्रो करना हो तो वार्म कंडीशन क्रिएट करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंक्लोज शेड जो बनाया जाता है उनके ऊपर ग्लास का, तो उसे क्या बोला जाएगा, ग्रीन हाउस बोला जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरह अब हमारे अर्थ के एटमोस्फियर में भी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होती है, तो वह कैसे, तो वह भी देख लेते हैं। तो सम गैसेस प्रिवेंट दी एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम दी अर्थ, क्या करते हैं, कुछ गैसेस, और वो कौन से गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। उसे दूसरा बोलना हो तो ग्रीन हाउस गैस भी बोल सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो अर्थ सरफेस से जो हीट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आती है एटमोस्फियर में, तो वह क्या कर देते हैं, एस्केप कर देते हैं, उसे अपने अंदर ले लेते हैं एटमोस्फियर में। एन इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ सच गैसेस इन द एटमोस्फियर वुड कॉज द एवरेज टेम्परेचर टू इंक्रीज वर्ल्ड वाइड, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उसे ही क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इनकी वजह से ये जब इस तरह के जो गैसेस है उनकी परसेंटेज बढ़ने की वजह से एटमोस्फियर में उनकी वजह से जो वर्ल्ड वाइड जो पूरा एटमोस्फियर का टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर वह क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। तो उसे क्या बोला गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोली गई है, ठीक है। तो अब ऐसे जो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात करें तो एक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मिथेन, फिर ओजोन है, CFC है। तो ये सारे क्या करते हैं, जो भी हीट जो रिफ्लेक्ट होकर अर्थ सरफेस से जो रिफ्लेक्ट होकर आती है उसे अपने अंदर स्टोर करते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं, जिनकी वजह से जो एटमोस्फियर का जो टेम्परेचर है वह क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ओके। और इनकी वजह से फिर क्या क्रिएट होगा, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट क्रिएट होगी, ठीक है। जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, जो पोल्स के ऊपर के जो ग्लेशियर्स हैं वह क्या होने लगते हैं, मेल्ट होने लगते हैं, ठीक है। और मेल्ट होने की वजह से जो सी वाटर है उनकी लेवल क्या बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो उनके सराउंडिंग जो सी के सराउंडिंग जो भी लैंड होगी वह जो भी सॉइल है वह क्या होने लगेगी, डूबने लगेगी, ठीक है। तो उनकी ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस तरह की इफेक्ट क्रिएट हो सकती है। इसकी वजह से दूसरा जो एटमोस्फियर का टेम्परेचर है वह ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये बात थी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो आज हमने देखा कार्बन साइकिल और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। थैंक यू।